हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैकल एग्जाम। फ्रेंड्स, आज मैं प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी रोज के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड अराइव्ड डैश वेडनेसडे मॉर्निंग। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है। तो दोस्तों, यदि आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन। फ्रेंड्स, डेफिनिट डे के लिए गाइज हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। डेफिनिट डे के लिए प्रीपोजिशन ऑन का यूज होता है, इसको आपने ध्यान रखिए ना दोस्तों, ये रूल है हमारा फर्स्ट। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल मीट यू डैश कन्नट प्लेस। दोस्तों, यहाँ पर आपको चूज करना है एक प्रीपोजिशन। यहाँ पर आपको चार प्रीपोजिशन दिए गए हैं। यदि गाइज आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा यानी राइट प्रीपोजिशन होगा वो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स एट, ऑप्शन नंबर बी एट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसका रूल क्या है? फ्रेंड्स, डेफिनिट लोकेशन के लिए प्रीपोजिशन एट का यूज होता है, इसको आपने ध्यान रखना है। डेफिनिट लोकेशन के लिए प्रीपोजिशन एट का यूज होता है। अब गाइज हमारा थर्ड है, ही वॉज बॉर्न डैश 26 जनवरी 1999। फ्रेंड्स, यहाँ पर गाइज रूल क्या है? इस क्वेश्चन में गाइज एक डिफिनिट डेट दिया गया है, एक यहाँ पर गाइज डिफिनिट डेट दिया गया है। और गाइज डिफिनिट डेट के लिए हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। डिफिनिट डेट के लिए प्रीपोजिशन ऑन का यूज होता है, और गाइज डिफिनिट डेट के डे के लिए भी प्रीपोजिशन ऑन का यूज होता है, इसको आपने ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए गाइज यहाँ पर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑन। ही वॉज बॉर्न ऑन 26 जनवरी 1999, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा तो दोस्तों लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन फोर है दोस्तों हमारा, ही विल कम फ्रॉम आगरा डैश 9 o'clock। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। और फ्रेंड्स, इसका रूल क्या है? यहाँ पर गाइज एक डिफिनिट टाइम दिया गया है, डिफिनिट टाइम दिया गया है इसको वाले क्वेश्चन में। फ्रेंड, डिफिनिट टाइम के लिए फ्रेंड्स हम प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। डिफिनिट टाइम के लिए प्रीपोजिशन एट का यूज होता है, इसको आपने ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, एट गाइज हो जाएगा। ही विल कम फ्रॉम आगरा एट 9 o'clock, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सी डेड डैश हार्ट अटैक। देखिए गाइज यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और फ्रेंड्स, देखिए जब डेड यानी सेंटेंस में जब किसी की डेड की बात की जाए, यदि वो डेड एक्सीडेंट से हो, यदि वो डेड गाइज एक्सीडेंट से हो तो प्रीपोजिशन इन का यूज होता है। और फ्रेंड्स, यदि वह डिजीज यानी किसी बीमारी से हो तो वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है। एक्सीडेंट यानी गाइज दुर्घटना में इनका यूज होता है, और डिजीज यानी बीमारी में ऑफ का यूज होता है। अब देखिए गाइज, डेड किससे हुआ है? हार्ट अटैक एक गाइज बीमारी है, डिजीज है, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होगा। यहाँ पर ऑफ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 गाइज, हर अंकल डाइड डैश इन अ रोड एक्सीडेंट। अब देखिए यहाँ पर गाइज जो डेड हुआ है, यहाँ पर एक्सीडेंट से हुआ गाइज, दुर्घटना से हुआ है, इसलिए प्रीपोजिशन इन का यूज इसमें होगा। प्रीपोजिशन इन का यूज यहाँ पर गाइज होगा, यहाँ पर इन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गाइज रूल क्या था, एक्सीडेंट से हो, जब डेड एक्सीडेंट से हो, यहाँ पर एक्सीडेंट से हुआ है तो प्रीपोजिशन इन का यूज हुआ है। और गाइज जब यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए गाइज, इसमें हम बताते हैं, हर अंकल डाइड डैश कैंसर। यहाँ पर गाइज देखिए, डेड जो हुआ है वो डिजीज से हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होगा। यहाँ पर प्रीपोजिशन गाइज ऑफ का यूज होगा, इसको आपने ध्यान रखना। डेड गाइज जब किसी की डेथ होती है तो दो प्रकार से होती है, एक तो एक्सीडेंट से और दूसरा डिजीज से। जब
गाइस एक्सीडेंट से हो तो प्रीपोजिशन इन का यूज होगा, जब डिजीज से हो तो प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होगा। इसको आपने ध्यान रखना गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है प्रीपोजिशन का ये दोस्तों। अब देखा क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आई विल मीट यू डैश 2023। गाइस यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, डिफिनिट, यहाँ पर डिफिनिट ईयर की बात हो रही है, यहाँ पर डिफिनिट गाइस ईयर की बात हो रही है। यहाँ पर रूल क्या है, जब सेंटेंस में डिफिनिट ईयर की बात की जाए तब वहाँ पर हम प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर गाइस हम फिक्स प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा गाइस, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन 2023 मैं तुमसे 2023 में मिलूंगा। अब देखिए गाइस क्वेश्चन 9 हमारा, कट द एप्पल डैश आ नाइफ, कट द एप्पल डैश आ नाइफ। यहाँ पर गाइस क्वेश्चन कर रहा है कट द एप्पल डैश आ नाइफ। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले तो फ्रेंड्स यदि आपको आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर जो रूल कह रहा है फ्रेंड्स, जब भी सेंटेंस में किसी भी टूल्स वीपन्स और गाइस इंस्ट्रूमेंट की बात हो, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात हो, तो वहाँ पर गाइस हम प्रीपोजिशन विथ का यूज़ करते हैं, तब प्रीपोजिशन विथ का यूज़ होता है। यहाँ पर गाइस देखिए, कट द एप्पल, सेब को यहाँ पर गाइस कटिंग किया जा रहा है किससे, नाइफ से, चाकू से। यहाँ पर गाइस नाइफ क्या है, नाइफ एक टूल है, इसलिए यहाँ पर हम प्रीपोजिशन विथ का यूज़ करेंगे। ध्यान रखिए गाइस, ये रूल है, यदि सेंटेंस में किसी भी टूल्स इंस्ट्रूमेंट वीपन की बात हो तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन विथ का यूज़ करते हैं, ये रूल है गाइस। 10 वाला हमारा, सी ऑलवेज राइट्स डैश अ पेंसिल। गाइस यहाँ पर पेंसिल भी एक टूल है, अब यहाँ पर आप लोग इसका आंसर तो जान ही गए होंगे, तो गाइस विथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वाला हमारा फ्रेंड्स, द बुक्स डैश द टेबल इज माइन। यहाँ पर गाइस एक न्यू रूल आ रहा है, यहाँ पर गाइस चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, इसका आंसर आप सभी को पता होगा आशा है दोस्तों। और फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑन। देखिए गाइस रूल क्या है, जब कोई वस्तु किसी स्तर पर रखी हुई होती है तब प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ होता है, ऑन का प्रयोग गाइस वहाँ पर होता है जब कोई वस्तु किसी स्तर पर रखी हुई होती है। अब देखिए गाइस जो यहाँ पर सेंटेंस कह रहा, द बुक्स ऑन द टेबल इज माइन, वह किताब जो कि टेबल पर रखी हुई है वह मेरी है। गाइस यहाँ पर टेबल एक सरफेस यानी सतह है गाइस, तो यहाँ पर बुक्स टेबल पर रखी हुई है, इसलिए यहाँ पर हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन 12 है दोस्तों हमारा, द रैट हिड डैश द टेबल, यानी फ्रेंड्स जो रैट है यानी चूहा है वो टेबल के नीचे छुपा है। यहाँ पर गाइस अब देखिए गाइस नीचे वाले कंडीशन में हम प्रीपोजिशन अंडर का यूज़ करेंगे, यहाँ पर गाइस अंडर हो जाएगा, अंडर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा गाइस। अब नेक्स्ट वाला गाइस, द एरोप्लेन फ्लू डैश द बिल्डिंग, चार ऑप्शन दिए गए हैं गाइस। एरोप्लेन कह रहा है क्वेश्चन, एरोप्लेन फ्लू द बिल्डिंग, एरोप्लेन गाइस ये बिल्डिंग के ऊपर से जा रहा है। अब गाइस यहाँ पर प्रीपोजिशन ओवर का यूज़ यहाँ पर होगा गाइस, यहाँ पर प्रीपोजिशन ओवर का यूज़ होगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। रूल क्या है गाइस, जब कोई भी चीज़ ऊपर से मोशन में जा रही हो, जब वह मोशन में जा रही हो तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन ओवर का यूज़ करते हैं। अब गाइस नेक्स्ट वाला हमारा है, देयर इज़ अ रूफ डैश आवर हेड, देयर इज़ अ रूफ डैश आवर हेड। यहाँ पर गाइस एक नया रूल निकल के आएगा, यहाँ पर चार प्रीपोजिशन आपको दिए गए हैं, यदि आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अब देखिए गाइस, देयर इज़ अ रूफ डैश आवर हेड, यहाँ पर गाइस कुछ लोग अबव बता रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ पर गाइस अबव बता रहे होंगे, जो कि गाइस ये रॉन्ग है, अबव का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। अब देखिए गाइस रूल क्या है, यहाँ पर जब भी सेंटेंस के अंदर कवरिंग की बात आए या फिर कवरिंग की कंडीशन में गाइस यानी ढकने के कंडीशन में हम प्रीपोजिशन ओवर का यूज़ करते हैं गाइस, कवरिंग यानी आवरण के कंडीशन में हम प्रीपोजिशन ओवर का यूज़ करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे गाइस कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर
इसलिए यहाँ पर ओवर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गाइस, रूफ, रूफ जो कि हमारे हेड के ऊपर रूफ है गाइस, रूफ क्या है, हमारे हेड को ढके हुए है, इसलिए यहाँ पर हम प्रीपोजिशन ओवर का यूज़ करेंगे। अब गाइस 15 वाला है हमारा, स्प्रेड द सीट डैश द बेड। यहाँ पर गाइस सीट को क्वेश्चन कह रहा है, सीट को बेड पर स्प्रेड यानी फैला दो। यहाँ पर गाइस ढक, यहाँ पर कवरिंग की बात हो रही है, जो कवरिंग के कंडीशन में हम प्रीपोजिशन ओवर का यूज़ करते हैं, इसको पता है गाइस, कवरिंग के कंडीशन में हम प्रीपोजिशन ओवर का यूज़ करते हैं, इसलिए फ्रेंड्स हमारा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, ओवर। अभी तो फ्रेंड्स हमने प्रीपोजिशन के कुछ ही क्वेश्चन देखे, यहाँ पर गाइस हमने कुछ रूल सीखे, और फ्रेंड्स अभी तो हमें सभी क्वेश्चंस को कवर करना है, इसलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक कीजिए। और फ्रेंड्स उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।